आज हम मौजूद है MCN समाचार के तरफ से खोकड़पुरे के अंदर और यहाँ की हम जनता से बात करते हैं कि इस वार्ड के अंदर क्या समस्या है। इस वार्ड में जो तो हमारा डेनिस का मसला है, डेनिस जो है तो हर 15 दिन को चौकअप हो जाता है। कॉर्पोरेशन में जाके बोलते, कॉर्पोरेशन वाले बोलते करेंगे और कोई आता नहीं साफ करने को, हमको प्राइवेट में बुला के साफ कराना पड़ता है और उनको बोले कि हमारी डेनिस बदली करो तो बोलते बजट नहीं हमारे पास में। तो ये कैसा इंसाफ है हमारा? कितने साल से प्रॉब्लम है ये? हमारा 2 साल से चल रहा साहब। हम कार्यक्षण में चक्रा मार रहे पर कार्यक्षण वाले ने कुछ बोल रहे नहीं, बोलते बस देखेंगे बोल रहे हो और ना आदमी भेजते। हमको प्राइवेट में लाके आदमी काम करा के करना पड़ता। ये गली का है हमारा, डेनिस का प्रॉब्लम है हमारा। पूरी गली में हमारा बहुत टेंशन हो जाता है, गली में बच्चे वगैरह आते जाते, गले में बच्चे वगैरह आते हमारे पास, ये कचरा भी नहीं उठाते लोग यहाँ सही से। ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है यहाँ, ड्रेनेज पूरे टूटे हुए है, पूरे चैम्बर पूरे खराब हो गए, लाइन फूटी हुई है, चैम्बर की लाइन फूटी हुई है अंदर की, पूरा पानी रास्ते पे जाता है और कोई इधर साफ लोग आते नहीं ना, कोई नहीं आता देखने को भी नहीं आता, ना लेबर आते ना कोई नहीं आता। ये पीने के पानी के अंदर ये पूरी हमारी चंबा लाइन के जरिए से पूरी लाइन के अंदर पानी जा रहा और ये जो बंदा है इसको हर हमारे 2-4 दिन को बुला के इसको 400-500 रुपये दे के सब दे के उसको हम साफ करने लगाते। अब पूरी हमारी जो है तो पूरी ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है, यहाँ कोई आता नहीं देखता है नहीं। इम्तियाज जलील साहब को पास बोले, कॉर्पोरेशन में बोले, सब जरा बोले क्या, तो बोलते खाली आदमी भेजते हम, आप वहाँ कॉर्पोरेशन में जाओ। 10 बार हमारे इब्राहिम भाई जो है तो कॉर्पोरेशन में जाके आए, सब बोले सब बताए, कुछ लोग आते नहीं, मोटर भेजो बोले तो मोटर भी नहीं भेजते बनाने को। म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब तो बोलते मैंने औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया, आपको लगता है स्मार्ट सिटी है औरंगाबाद? अब स्मार्ट सिटी नहीं है साहब, ये भंगार सिटी हो गई। स्मार्ट सिटी नहीं बोला जाएगा इसको भंगार सिटी बोला जाएगा क्योंकि पूरे चमरा टूटे हुए है, कोई लाइन नहीं है, पूरे गली में नमाज के लोग आते जाते, घर के सामने पानी, बच्चे खेलते। कितने साल से प्रॉब्लम है ये? एक तकरीबन 3-1 साल से प्रॉब्लम चालू, 2 साल से तो हम खुद साफ ही करा रहे हैं उसको बुला के। महानगर पालिका कोई अधिकारी भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे महानगर पालिका का। मांग क्या है म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब से और महानगर पालिका से? हमारी मांग ये है कि भाई हमारे को गली के अंदर बड़ी पाइपलाइन डाल के होना, पूरे रोड हमारे को अंदर गली के बना कर होना, हमारी इतनी मांग है। चंबर पूरे बड़े बड़े करके देना, छोटी छोटी लाइन है, 5 की 6 की लाइन है, बड़ी लाइन है, आज 20 साल से वैसी हम धका के लेके चलते। वही अपना चंबर की है और क्या है बस, ये घड़ी गई देखो रोड पे के पूरे टूटे हुए चंबर, फोटो ले ले भाई चंबर की तू भी। कितने साल से चौका पे? ये कम से कम 5-4 साल से है। ठीक नहीं, आते ही नहीं, इधर उधर दातावादी चालू, उधर उधर ही साफ कर रहे हो, उधर ही काम कर रहे हो, वार्ड अधिकारी नहीं आते, कोई नहीं वार्ड अधिकारी ये बोलते उधर जाओ, कोई उधर जाओ, कोई इधर जाओ, ऐसे बस घुमाते रहते हो। हम ये बोलना चाहते कि हमारे पास तो कहिए प्राइवेट में आदमी बुलाते, आओ इधर, ये तो इनको प्राइवेट में बुलाते हैं हमारे साफ करा के लेके जाते, इनको 500 रुपये हम टाइम देना पड़ता हमारे घर टाइम। तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे खोकड़पुरे की जनता से बात की और यहाँ की चैम्बर लैंड पूरी तरह से चौकअप है और ना ही महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं और ना ही यहाँ पे कॉरपोरेशन ध्यान दे पा रही है इस वार्ड के तरफ खोकड़पुरे के अंदर। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।